बड़ा बड़ा सिंपल सा फंडा है मेरे पास, सीधी बात, नो बकवास। अगर पढ़ना है आपको तो आरपीएससी लेवल पे पढ़ना है, नेट गेट लेवल पे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होंगे और उस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से भी सिलेक्शन नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। आरपीएससी के लिए जो कोले लेक्चरशिप का है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की वैकेंसी है जो गहलोत सर ने अभी अनाउंस की है और ये वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए स्पेशल बैच अब स्टार्ट किए जा रहे हैं जो पूरी तरह 100% लाइव बैच होंगे, ठीक है। हालांकि आप लोगों को सबको पता है कि भाई पिछली बार भी अपन ने बैच चलाया था उसमें लगभग 37 बच्चे हमारे इंटरव्यू कॉल हुए हैं और उनमें से मैं विश्वास रखता हूं कि कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या होंगे वहां पे एग्जाम क्रैक करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले उन स्टूडेंटों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि वो जाएं और इंटरव्यू को क्रैक करके आए, ठीक है भाई। तो आपको हालांकि जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं और जो किसी कारण से जुड़ नहीं पाए थे, ठीक है कि नहीं है, उन सबको पता है कि अरुण सर ने अपना वादा निभाया है पूरी तरह। सबसे पहले जो फ्री बैच अनाउंस किया था उन बच्चों के को लास्ट तक मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी ऐप में इससे थोड़ा सा डिफरेंट मैटर था, ऐप में पूरी प्रैक्टिस सीट थी, सब कुछ थे, क्वेश्चंस वगैरह थे, तो यही कारण है कि आपके 37 बच्चे केवल ऐप से क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। बाकी की आपको ही पता है कि चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है बंदा, वो अरुण सर के वीडियो जरूर देख के गया है और जिसने नहीं देखे हैं उसको बाद में पछतावा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि क्वेश्चंस अरुण सर के लाइन टू लाइन मिले हैं। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो अब जो नया बैच अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो 25 मई से कर रहे हैं और इसकी जो लाइव क्लासेज स्टार्ट होंगी वो 5 जून से होंगी, ठीक है नहीं है। एडमिशन प्रोसीजर जो है स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और अब जो है ये मेरा ऑफिशियली यूट्यूब का नोटिफिकेशन है आपके लिए इस बैच के लिए कि आप बिना देर करे ये बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है भाई। तो हम क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो बता देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल। यहां पे 3 बैच आएंगे जिसको मैंने ट्रिपल आर बैच से प्रोनाउंस किया है, ठीक है कि नहीं है, ट्रिपल आर बैच के नाम से प्रोनाउंस किया है इसको पूरी तरह। और ये बैच जो होगा वो आरपीएससी कोले लेक्चरशिप 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तो दो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, एक तो कॉलेज लेक्चर की है आपकी और एक पॉलीटेक की है। तो पॉलीटेक की अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। अब वैलिडिटी की बात करते हैं। वैलिडिटी आपकी कोले लेक्चरशिप की एग्जाम जब अनाउंस होगी, वो एग्जाम लगेगी तब तक वैलिडिटी रहेगी आपकी। तो वैलिडिटी इसकी 1 साल भी रह सकती है, 2 साल भी रह सकती है, 3 साल भी रह सकती है इसकी, ठीक है कि नहीं है। हाँ, वैलिडिटी के ऊपर कोई भी वो नहीं आएगा, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह क्या होने वाला है, 100% लाइव बैच होने वाला है और जिसके डाउट क्लियर किए जाएंगे आपके लाइव सेशंस में, सब कुछ लाइव रहेगा, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन बैच में बैठे हो, आपको लगेगा आप ऑफलाइन बैच में, ठीक है कि नहीं है। और यही एक वजह है जो कोले लेक्चरशिप में मेहनत की थी उसी की वजह से अपने पास 500 स्टूडेंट क्रॉस हो चुके हैं किसमें, आरपीएससी स्कूल लेक्चर में। और ये सब आपकी ही मेहरबानी है कि आपने अरुण सर की माउथ पब्लिसिटी इतनी गजब की है जिसकी वजह से आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में मेरे को बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है अपने ऑनलाइन बैचों का, ठीक है कि नहीं है। तो आशा करूंगा कि आप इस बैच से जरूर जुड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 बैच बेसिकली ऑफर किए जा रहे हैं। पहला है R01 कोले लेक्चरशिप आरपीएससी असिस्टेंट 2022-23। अब कई बच्चों की ये होता है कि सर मैं पूरा कोर्स नहीं लूंगा, इसमें क्या है कि पूरा सिलेबस आ गया, पेपर फर्स्ट भी आ गया, पेपर सेकंड भी आ गया, समझ रहे हो आप बात। और इसमें क्या है कि इसमें एक ही पेपर रहेगा, पेपर फर्स्ट रहेगा केवल ही। कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा पेपर सेकंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया मार्क्स आए थे पिछली बार भी, मैं खुद कर लूंगा, तो उसके लिए पेपर फर्स्ट है। कोई ये कहता है कि सर पेपर फर्स्ट मेरा बहुत बढ़िया है और मैं अब
मेरे को जरूरत नहीं है पेपर फर्स्ट की, मेरे को केवल पेपर फर्स्ट दे दो, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। तो इस टाइप से दो बैच ये बनाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है आर 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 बैच। तीन बैच चलेंगे आपके एक साथ, ठीक है कि नहीं है। चले भाई, तो इस बैच का जो मैं बता दूं आपको वेटेज, पेमेंट वेटेज वो कितना रहेगा, कितने कोर्स में कंप्लीट, कितने समय में या कितने टाइम में ये कंप्लीट होएगा। तो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी वो लगभग लगभग छह महीने लगेंगे, छह महीने से भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी के लिए स्कूल लेक्चरर के लिए मैंने 4 से 5 महीने सोचे थे, अब लग गए 7 महीने लग गए उसके सिलेबस में। तो सिलेबस भी थोड़ा बड़ा है और थोड़े क्या है कि बच्चों के कंसेप्ट भी वीक है, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलना पड़ता है। तो अपने कोले लेक्चरशिप में भी बेसिक से लेके चलेंगे, हाई डायमेंशन तक चलेंगे। और आपको भी पता है कि ये जो कोले लेक्चरशिप की जो एग्जाम होती है, ठीक है कि नहीं है, उसमें मैटर तो सेम रहता है, चाहे वो नेट का पढ़ा हुआ हो चाहे गेट का पढ़ा हो, किसी का मैटर सेम रहता है। आप ये सोच रहे हो कि मैटर अलग होगा, नहीं, लेकिन एक्चुअल में नेट गेट में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जोर दिया जाता है, ना कि ये क्वेश्चन आएगा नेट में या ये क्वेश्चन गेट में आएगा, वो जो वहां पे नेट गेट में जोर दिया जाता है वो अपने आरपीएससी में नहीं है। अपने आरपीएससी में तो अलग तरीके से वेटेज दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आरपीएससी में ये क्वेश्चन आएगा जो नेट गेट में नहीं पूछे जाते, ठीक है कि नहीं है। पिछली बार बच्चों के साथ क्या हुआ था, लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी थी, इसीलिए वो 10-12 क्वेश्चनों का जो न्यूमेरिकल का बल्क आया था उसमें फंस गए बच्चे, स्पीड स्लो हो गई। क्यों इसलिए स्लो है, मना किया था ना कि किसी ने प्रैक्टिस के लिए नहीं किया किसी ने, लेकिन उन्होंने की नहीं, उन्होंने लाइटली ले लिया आरपीएससी के एग्जाम को, समझ में आई। न्यूमेरिकल आ गए, न्यूमेरिकल आते ही तो टाइट है, फिर पेपर छूट गया बच्चों। सेकेंड वाले में रीजन और असर्टेन के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, आपने देखा 8-9 क्वेश्चन थे रीजन और असर्टेन के, उसमें अच्छे खासे उड़ गए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको सरफेस से नहीं थोड़ी बहुत गहराई से भी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है कि नहीं है। तो अब करते हैं प्राइसिंग की बात। तो प्राइसिंग जो है 30 मई 2022 तक आपको सिलेबस में 6000 का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है कि नहीं है, केवल पेपर फर्स्ट के लिए ध्यान रखना। और पेपर फर्स्ट जो है 7,999 रुपए का आपको मिलेगा, पेपर फर्स्ट नहीं, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है अपना, जैसे ये वाला बैच है ये 7,999 का आपका, ये भी 7,999 का है, ये भी 7,999 का है। लेकिन जैसे 30 मई तक अगर आप पेमेंट नहीं करवाते तो उसके बाद क्या पेमेंट रहेगा इसका, 13,999 हो जाएगा 30 मई के बाद, इसका 7,999 रहेगा, इसका 7,999 रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 7,999 में एक पेपर पर दूसरा पेपर फ्री मिल रहा है, समझ में आई है, बिल्कुल सिंपल। तो ये 13,999 का रहेगा कब 30 तारीख के बाद, 30 मई के बाद अगर कोई पेमेंट करता है तो, 30 मई तक भी पेमेंट करता है तो ये जो बैच है पहला वाला जिसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड कंबाइंड है वो 7,999 का ही रहेगा, इन दोनों पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है क्योंकि ये सेपरेट बैच है, ठीक है कि नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सर जो हमने आपके पास पिछली बार किया था तो हमें क्या फायदा होगा, तो मैं उनको बता दूं कि उनको केवल डिफरेंस अमाउंट देना है भाई। पिछली बार जो अपना नॉर्मल बैच चला था जो सबके लास्ट में चला था है ना, भूले भटके जो स्टूडेंट थे यूट्यूब पर मेरे भरोसे बैठे थे उन्होंने बैच ज्वाइन किया था, तो उनसे मैंने 5500 रुपए लिए थे। अगर वो 30 तारीख तक करवाते हैं तो 5500 इसमें से डिफरेंस करके और आप क्या कर सकते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्होंने 1900 रुपए दिया है मेरे को बूस्टर बैच के, वो 1900 रुपए माइनस करके 30 तारीख तक जमा करा सकता है, 30 तारीख बाद मैं उनको भी कंसिडर नहीं करूंगा। डिफरेंस अमाउंट ले रहा हूं आपके पास जो हमारे रिपीटर है, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या। दूसरी चीज आपको पहले क्लियर कर दूं कि आपके पास इस बैच में सिंगल वीडियो भी नहीं रहेगा जो YouTube पर प्रोवाइडेड है। हाँ ये जरूर है कि अपना जैसे लाइव क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर वन शॉट वीडियो देना है आपको कि सर हमें पूरा सिलेबस एक शॉट में एक वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाए, तो वो प्रोविजन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है कि नहीं है। अगर आप ये सोच रहे कि सर पिछली बार आपने वो करवाया था जैसे क्रोमेटोग्राफी करवाई थी तो क्रोमेटोग्राफी का पिछली वाला वीडियो मिलेगा या इस बार नया पढ़ाओगे, बिल्कुल नया पढ़ाएंगे अपन।
मैंने फर्स्ट ग्रेड में भी सिंगल वीडियो ओल्ड नहीं दिया है, सारा का सारा सिलेबस मैंने दोबारा करवाया है, इवन हिंदी मीडियम में, इवन इंग्लिश मीडियम में, दोनों में सेपरेट टॉपिक करवाए हैं। ऐसे तो मैं चाहता तो बहुत सारे के वीडियो मेरे पास रिकॉर्डेड पड़े थे। और जिन अदर इंस्टीट्यूट में आप जाके देखोगे तो 9,000 रुपए 9,500 रुपए तो उन्होंने रिकॉर्डेड की रख रखी है, जबकि मेरी तो लाइव क्लास की जो फीस थी वो 7,799 थी तब से अब तक, है ना। बस 200 रुपए तो बढ़ाए कोले लेक्चर में और क्या बढ़ाए। तो और इंस्टीट्यूट में फंसने की बजाय जो आरपीएससी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वहां पर ज्वाइन करो ना, क्या दिक्कत होगी है? कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब ये पेमेंट कैसे करना है, हाउ टू पे, तो आपको बता दूं, इस पेमेंट करने के लिए आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप यूज में ले सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐप में भी जाके पेमेंट कर सकते हो, वहां पे भी ऑप्शन है, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ये पेमेंट करोगे आपको यूपीआई करना है 9667087515 पर। और अगर कोई डिटेल लेनी है तो इन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो डिटेल लेकर। और एक नंबर और है जो शुरुआत में आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए थे 8432170999, ये दोनों नंबर में क्या कहा दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बड़ा बड़ा सिंपल सा फंड है मेरे पास, सीधी बात, नो बकवास। अगर पढ़ना है आपको तो आरपीएससी लेवल पे पढ़ना है, नेट गेट लेवल पे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होंगे और उस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से भी सिलेक्शन नहीं होंगे। तो ये मेरी तरफ से था ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए। और आपको भी डाउट शेड्यूल दिया जाएगा पूरा का पूरा डाउट सेशन के लिए, ठीक है कि नहीं। अगर आपके कोई डाउट वगैरह आते हैं तो बच्चों को, जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं, ठीक है कि नहीं, उनको डाउट शेड्यूल टाइम दिया हुआ है कि भाई इस टाइम तक आप कॉल करो, वैसे ही आपको भी दिया जाएगा और जूम या गूगल मीट पर आपको तुरंत लेकर आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। और मैं जो है वन टाइम में वन बैच में बिलीव रखता हूँ, एक समय में एक ही बैच। स्कूल लेक्चरर का बैच मेरा खत्म हो गया, वो बैच रिविजन पे है, ठीक है नहीं। उनके बूस्टर टेस्ट चल रहे हैं बाकायदा, दो टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट जल्दी ही होने वाला है। तो इस प्रकार से उनके 30 तो मेन टॉपिक हैं वो, और 30 आपके चलेंगे फुल लेंथ सिलेबस, टोटल 60 टेस्ट लिए जाएंगे। और ये 60 टेस्ट है ना, बहुत बड़ी बात होती है। जो इन 60 टेस्ट को कंप्लीट करेगा तरीकेबद्ध, उसको 120 में से 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यही आपके साथ होगा जब अपना बैच जो चलेगा उसमें जितने क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद बूस्टर जो बैच चलेगा आपका, क्वेश्चनों वाला बूस्टर बैच चलेगा जिसमें क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, वो इसी पैटर्न पे रहेंगे कि आपकी सारी यूनिट कवर हो जाए। बाकी की सिलेबस आपको पता ही है। और सिलेबस में लाइन टू लाइन सिलेबस करवाने में एक ही आदमी माहिर है, वो है अरुण सर, क्योंकि अरुण सर अब आरपीएससी के फील्ड में बन चुका है ट्रस्ट और हार्डवर्क का नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।